गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज गौतम कुमार टीचिंग यू सिविक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। एज यू नो, हमारे देश में, या आप अपने परिवार की ही बात पहले कीजिए, तो क्या सभी भाई बहन एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। क्या सभी एक ही तरह के कपड़े लाइक करते हैं? नहीं करते हैं। किसी का शौक अलग हो सकता है, फूड में भी किसी का अलग, कोई खास व्यंजन किसी को पसंद होगा। तो एज यू नो, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। और सिविक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नागरिक के बारे में, सिटीजन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में और स्टेट के बारे में। इसी तीन पर फोकस डाला जाता है सिविक्स या सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। अब यदि हम बात करें पूर्वोत्तर में, मणिपुर का कल्चर देख लीजिए, वहां का लैंग्वेज अलग है, मणिपुरी। अब गुजरात का ले लीजिए, गुजराती। उत्तर में आप कश्मीर का देखिए, कश्मीर की भाषा है डोगरी। यदि आप साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु की भाषा जो है आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। कर्नाटक चले जाइए, वहां की भाषा कन्नड़ है। तो ये तो हुई भाषा की बात। देखिए, जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में, सबका अपना कल्चर डिफरेंट है, सबकी भाषाएं अलग अलग है। और इंडिया में लगभग 6-7 धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, क्रिश्चियन भी है, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, तो तरह तरह के धर्मावलंबी हमारे देश में हैं। आप इस सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में ये तीन चित्र आप देख रहे हैं ना, तो ये तीन चित्र जो है, क्या तीनों एक जैसा मिलता जुलता है? तीनों पिक्चर क्या एक जैसा है? नहीं ना। उसी तरह हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, तरह तरह के कल्चर है, संस्कृति अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी भारत एक है। यानी यहां अनेकता में एकता है। अब ये डायवर्सिटी किस रूप में है, मैंने बताया कि जैसे तमिलनाडु का खान पान देखिए अलग है, वही कश्मीर का खान पान देखिए अलग है, पहनावा यानी वस्त्र पोशाक उसमें भी अंतर है। आपके परिवार में यानी भाई बहन, एक होता है जेंडर डिफरेंस, जेंडर दो होते हैं जनरली, जो हम मानते हैं कि पुरुष और स्त्री, लड़का या लड़की। वो जब आप लोग जब स्कूल आते हैं, बॉयज का ड्रेस अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। आप घूम रहे हैं और आपको कोई कन्नड़ बोलने वाले लोग मिल जाए, तो वो आपके लिए क्या होता है? अजनबी होता है, क्योंकि वो भाषा आप नहीं जानते हैं। इस तरह भाषा के आधार पर आप उसके साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, जबकि भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप हिंदी मैथिली बोलने वाले हैं, आप जब तमिलनाडु में जाते हैं या कर्नाटका में जाते हैं, तो वहां लोग आपको डिफरेंटली या कुछ अलग मान लेता है, क्योंकि वो भाषा आप नहीं जानते हैं, वो कल्चर आपका नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे यदि हम वहां रहते हैं तो घुल मिल जाते हैं, हमारे कल्चर, हमारी भाषाओं को वो लोग जान लेता है जहां हम जाते हैं, और वहां की भाषा, वहां के लैंग्वेज को हम लोग सीख लेते हैं, जानते हैं। जितने भी भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए या विदेशी शासक आए, तो वो इंडिया से कुछ ना कुछ सीखता गया, और उस आक्रमणकारी से भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा। पुर्तगाली आए तो वो साथ में लाए प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू वगैरह, उसने यहाँ अपना कल्चर, यहाँ के लोगों ने पुर्तगाली कल्चर को समझा, और पुर्तगालियों ने भी भारतीयों के कल्चर, भारतीयों की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान को समझा। ब्रिटिश आए, आज हम जो इंग्लिश मीडियम में जो एजुकेशन पा रहे हैं, ब्रिटिश के ही कारण। जितने भी देख रहे हैं आप, रेल, डाक, तार, ये सब डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश शासकों के काल में ही। तो उनका पर्पज क्या था? कि बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो सके और पूरे इंडिया में बिजनेस हो सके। धीरे धीरे उन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत करना भी शुरू किया, और ये हुकूमत तब तक चलता रहा जब तक हम स्वतंत्र ना हो गए। तो अंग्रेजों ने भी हमारे यहाँ से बहुत कुछ सीखा, और हमने भी अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा। वही बात फ्रांसीसी के साथ है,
फ्रांसिसियो ने जो यहाँ अपना डेरा डाला, आज भी पांडिचेरी में या पुदुचेरी में अभी भी फ्रेंच कल्चर है, वहां पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, वो अपना कल्चर छोड़ गए। 1961 में पुर्तगाल गोवा से मुक्त हुए और वो वापस अपने देश गए। तो डाइवर्सिटी यही है, विभिन्न तरह के खान पान, त्योहार, उसके बाद भाषा, धर्म, जाति, लिंग, इस आधार पर हम लोगों को डाइवर्ट करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। आप बिहार के हैं, आप यदि जाते हैं कहीं और यदि आपको बिहारी कहे, आपके ऊपर कमेंट कसे, तो ये क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप, ताना मारना, डिस्क्रिमिनेशन। आप देखिए कि आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हैं, स्कूल आके कौन सी भाषा बोलते हैं, इसमें हो सकता है अंतर हो। मान लीजिए कि घर में आप मैथिली बोलते हो और स्कूल आने पर आप हिंदी या इंग्लिश में बातें करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इंग्लिश में बातें करते हो और घर पर जब जाते हो तो आप हिंदी में बातें करते हो। तो देखिए, यू कैन आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। जब आप कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं तो क्या सभी बच्चों का जवाब एक सा होता है? नहीं होता है ना, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है। तो प्रोबेबली, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिसका उत्तर मिलता जुलता है। तो हाउ मेनी लाइक्स रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। मान लीजिए कि आप किसी बुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, किसी सब्जेक्ट को, जैसे मैथ्स को। हो सकता है कोई आप ही का भाई जो है वो हिस्ट्री या सिविक्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हो, कोई फिजिक्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हो, तो कोई संस्कृत को ज्यादा पसंद करता हो। तो यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम। तो जो आइडियोलॉजी या जो विचारधारा जिस मित्र का आपसे मिलता जुलता है, आपका उससे दोस्ती होती है, काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन यदि भाषा और धर्म अलग हो तो थोड़ा दोस्ती कठिनाई से होती है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो हम ना बिहारी हैं ना गुजराती हैं, वी आर इंडियन फर्स्ट। हम पहले क्या हैं? हम पहले भारतीय हैं, ठीक है? चाहे बिहार के रहने वाले हो, महाराष्ट्र के रहने वाले हो, गुजरात के रहने वाले हो, मणिपुर या कश्मीर के रहने वाले हो। अब है मेकिंग फ्रेंड्स। यहां एक कहानी दी गई है, इससे आप समझ सकते हैं। यहां एक समीर नाम के दो लड़के की जिक्र हुई है इस चैप्टर में। एक समीर पेपर बेचता है, बहुत गरीब है वो, और एक दूसरा समीर जो है वो अमीर है और वो स्कूल भी जाता है। एक समीर कभी स्कूल गया ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं स्कूल क्या चीज होती है, और एक स्कूल जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैंक बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। देखिए, एक न्यूज़पेपर बेचता है समीर एक नाम का लड़का, ठीक है? एवरी टाइम आई साइकल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। यहां कहा जा रहा है कि जब भी मैं वो पेपर वाला जो होता था वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता आता था, पेपर, न्यूज़पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ऐसे ऐसा करके न्यूज़पेपर सेल होता है ना, तो वो चिल्लाते हुए आता था पीछे पीछे। द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और वो जो चिल्लाता था वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर। तो वो समीर जो था, दूसरा समीर, उसने रुका और हिंदी पेपर लिया। हिज माउथ फेल अपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो दिखने में लगता था अंग्रेज जैसा। तो समीर ने कहा कि यू मीन यू नो हिंदी, तुम्हें हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। तो समीर, दूसरा समीर जो था, उसने पेपर के लिए पैसा दे दिया और कहा अवश्य। तो फिर समीर पूछता है पहला समीर, व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक? तो ही पॉज्ड बट नॉट लुक सो अंग्रेज। अंग्रेज हम लोग कहते हैं ना, जो गोरा दिखता है, तो वो क्या,
उसको उस समीर को लगा कि ये तो अंग्रेज जैसा दिखता है तो ये इंग्लिश पेपर लेगा, लेकिन उसने हिंदी पेपर लिया। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? तो दूसरा समीर कहता है ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने व्यग्रता से कहा, समीर दूसरा जो था। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, दूसरा समीर कहता है कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी वो विषय है जिसे मैंने स्कूल में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ समीर दोनों समीर है, तो समीर एक और समीर दो, समीर का अर्थ क्या होता है? समीर का अर्थ होता है पवन, वायु, और पवन पुत्र किसे कहा जाता है? हनुमान को। तो सब्जेक्ट ही आस्क्ड, ये सब्जेक्ट क्या चीज होती है? हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो लड़का कभी स्कूल गया ही नहीं है उसको क्या मालूम कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है? वेल इट इज समथिंग आई बिगन बट द लाइट्स चेंज, और फिर लाइट चेंज हो जाती है एंड द हैंकिंग बिहाइंड मी ग्रो हंड्रेड फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पोस्ट अलोंग विथ द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, और फिर ट्रैफिक खत्म होती है, फिर समीर दो चला जाता है। अब आगे की जो कहानी है मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए समीर एक और समीर दो में क्या डिफरेंस है, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, एक स्कूल जाता है दूसरा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, एक का मम्मी पापा उसके साथ रहता है और दूसरे का मेरठ में रहता है, ठीक है। आगे की वीडियो में मैं और डिटेल से बताऊंगा, आज के वीडियो में इतना ही। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।